नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल नमस्कार सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ। पंच धोने की सेवा क्या होती है? बहुत ज्यादा लोगों की कमेंट आने के कारण ही मैं ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सर्वप्रथम समझ लेते हैं पंच धोने की सेवा होती है। इंटरनेट पे ये वीडियो है नहीं है, फर्स्ट टाइम ही आपको प्रॉपर जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। अगर चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लेना। कसली में 1150 2550 रहती है। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात करते, बाकी की सर्विस पेड है। पंच धोने की सेवा गुप्त विद्या नौ संप्रदाय में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। साधु संतों फकीरों के द्वारा इस क्रिया को किया जाता है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्रिया का करने का आपको बेनिफिट क्या होता है, आपको मिलता क्या। देखो, पंच धोने की सेवा करने से व्यक्ति के जो बोलते हैं ना कि व्यक्ति को जो कर्म करता है, जो भी उसमें मंत्र जाप करता है, हालांकि मैं बताऊंगा मंत्र जाप होता क्या। लोग उसमें भोलेनाथ की भी पूजा कर लेते हैं, नाथों को भी सेवा कर लेते हैं, अथवा किसी और भी देवता की सेवा कर लेते हैं। एक्चुअल में ना संपदा में अगर आप चलते हो तो पंच धोने की सेवा का आपको मंत्र जो है वो गुरु के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उस मंत्र का आप जप कर सकते हो, हालांकि आप अपने गुरु मंत्र का भी इसमें प्रयोग कर सकते हो। पंच धोने की सेवा करने से आपको बहुत ही ज्यादा सिद्धियां, वाक सिद्धि अथवा उसके अलावा कई प्रकार की विभिन्न शक्तियां प्राप्त होती है। पंच धोने की सेवा फुल गर्मी में करी जाती है। अगर मैं बोलूं तो जून की महीने में, जेठ महीना बोलते हैं उसको, उस महीने में करी जाती है। इस साधना को जो लोग करते हैं वो संकल्प लेके करते हैं, गुरुओं के द्वारा बताया जाता है। कुछ लोग जो है सवा महीने के लिए करते हैं, कुछ लोग 3 महीने के लिए, कुछ लोग उससे भी अधिक करते हैं, अथवा कि कुछ लोग पूरी गर्मी में करते रहते हैं जब तक कि मौसम चेंज नहीं हो जाता है। पंच धुनिया लगाई जाती हैं। पंच धुनिया लगाने का आपको एक मंत्र होता है, जो मंत्र बताया जाता है ना संपदा के अनुसार जो लोग चलते हैं। पंच धुनियों में क्या है कि सबसे पहले आपने जगह का चयन करना होता है, उसको गोबर से आपने लीप लेना है, वहां पे आपने गंगा जल का छट्टा दे देना है, पहले स्वच्छ कर लेना। आपने जो दिशा है वो पूर्व मुखी रहेगी, उत्तर मुखी दिशा रहती है इसमें, और पंच धुनियों का निर्माण करा जाता है। कुछ लोग जो है जमीन पर डायरेक्टली लगाते हैं, कुछ लोग उसको थोड़ा सा हाइट उसके ऊपर कर लेते हैं, उसके बीच में बैठते हैं, वहां पे एक चिमटा गाड़ा जाता है, एक जो है जल का पात्र रखा जाता है। कुछ लोग गुरुओं के नाम का दीपक भी लगा लेते हैं, अथवा जल के लिए जो है पात्र नहीं रखते हैं, वो घड़ा या मटका ही रख लेते हैं पानी का भर। स्वयं को स्नान करके, स्वयं को भस्म लगाकर अथवा सूखी भस्म से सारा शरीर छाना होता है। इसमें बाल नहीं कटवा सकते हो, नाखून नहीं कटवा सकते हो, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं कर सकते हो जो कि साधना के नियम के अनुसार वर्जित है। लहसुन प्याज रहित खाना खाना होता है इसमें। भूमि शयन करना है। ये साधना 99% वैराग पंथ पे चलने वाले ही साधु संत फकीर करते हैं। कोई ग्रस्तली करता है तो उसके भी नियम होते हैं। ना संपदा में जो लोग दीक्षित हैं वो पंच धुनियों का निर्माण करके, उन पंच धुनियों में कुछ सामग्रियों का बोलते हैं कि मिश्रण करके उन सामग्रियों को उनमें डालते हैं, अथवा फिर धुने में विराजमान होकर 2-2.5-3 घंटे 4 घंटे वो निरंतर मंत्र का जप करते हैं। ऐसी क्रिया या प्रक्रिया का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा वो 90 दिनों के लिए करते हैं, अथवा गुरु सन्निधि में चलते हो तो 1.25 महीने का रहता है। पंच धुनिया तापने के साथ आपको विभिन्न प्रकार की सिद्धियां मिलती है। इसमें बाघ सिद्धि हो जाती है, भूतकाल विश्वकाल वर्तमान हो जाता है। इन पंच धुनियों में आप स्वयं को ही तापते हो। इसमें आपने भगवे कलर का वस्त्र अथवा लंगोट पहन के ही इस साधना करनी होती है। हालांकि ये साधना को कोई भी इंसान कर सकता है जिसकी परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव है, लेकिन गुरु मुखी व्यक्ति यानी कि गुरु दीक्षित लोग जो ना संपदा में दीक्षित हैं, आप किसी भी पंथ से हो आप तब भी ताप सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 12 पंथों में से वो पंथ निकले आगे। गुरुओं के द्वारा आपको एक मंत्र दिया जाता है, वो धुनियों पे आपको मंत्र तपाना पड़ता है। कुछ लोग शावर मंत्रों का प्रयोग करते हैं, अथवा कुछ इसमें जो है विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करते हैं। हालांकि आप इसमें अपना गुरु मंत्र भी ताप सकते हो। पूर्ण निरंतरता संकल्प के अनुसार ही जाप करना पड़ता है, और आपके ऊपर परमात्मा की पूर्ण कृपा दृष्टि होती है। 100% जो व्यक्ति पंच धोने की सेवा करता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अपार कृपा दृष्टि होती है। कुछ लोग माला का प्रयोग कर लेते हैं, कुछ अथवा समय के अनुसार ही चलते हैं। इसी प्रकार से सेवा को अगर करने के इच्छुक हो तो पहले गुरुमुखी हो जाओ। गुरुओं के द्वारा जो वाणी आपको मिलती है प्राप्त होती है, उसी प्रकार से मंत्र जाप करना है। कसर भी 1150 2550 हवन का 1700 500 रहता है। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर।